अब हम जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल की तरफ। वशिष्ठ टेम्पल ये दरअसल वशिष्ठ मुनि का आश्रम है और वशिष्ठ टेम्पल के अंदर ही मेन वशिष्ठ कुंड है, लेकिन यहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती, इसलिए हम बाहर से ही शूट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी हॉट वाटर स्प्रिंग का बाहरी पोर्शन यहाँ से देखने को मिलेगा। ये हॉट वाटर स्प्रिंग दरअसल सल्फर वाटर है, जिस वजह से ये काफ़ी गर्म होता है। हाँ, तो हम लोग अभी वशिष्ठ टेम्पल से निकल चुके हैं और काफ़ी स्टीप रोड है। वशिष्ठ से आते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं मनाली विलेज की तरफ, जहाँ से हम अपना ट्रैकिंग शुरू करेंगे। कुछ लोकल खाना खाने का मन है, बहुत बारिश हो रही है और बीच में आते हुए हम लोगों ने चारों तरफ ये जो पेड़ लगे हुए हैं, सेब के, नाशपाती के और फिर अखरोट के भी, हमने एक अखरोट छोटा सा तोड़ भी लिया है जो बहुत हमारे करीब था। बट यहाँ पे जब हम आते हुए देखा, ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये जो एप्पल का पेड़ है, बहुत सारे एप्पल हो रखे हैं। इसमें लिखा हुआ है सेब तोड़ना मना है, फाइन 5,000 रुपीज़, पिटाई अलग से। सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क। भाई सेब तो हम तोड़ेंगे नहीं, लेकिन साथ में पिटाई से भी बहुत डर लगता है। हम तो गुड़गांव वापस जाना चाहते हैं बहुत ही सेफ और सिक्योर तरीके से, तो बिना सेब तोड़े और बिना किसी पिटाई के हम आगे बढ़ जाना चाहते हैं। लेट्स गो। यहाँ एक हम लोग को देखने को मिल रहा है, इन्हीं लोगों का गैराज रखा हुआ था। चलिए अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। सिंगल आप लोग ऐसे नहीं हायर पे देते, वाले नहीं देते, दूसरे वाले और दूसरे ये ग्रुप्स वाले हैं। तो यहाँ पर लोग आके यहाँ से आपको बाइक रेंट पे लेते हैं। मिनिमम कितने बाइक्स आप लोग करते हैं ग्रुप वाले? काफी जाता है, कैसे 20 जाता है बाइक एक ग्रुप में। अच्छा, 10-12 दिन का, 10-12 दिन का ट्रिप है। तो कहाँ से चलते हैं? मनाली से लेके शिमला से, शिमला से लेके मनाली से लद्दाख के लिए। लद्दाख के लिए, बहुत। और इसके लिए कुछ आईडी जमा करना है क्या? लाइसेंस, आधार कार्ड सब जमा करना पड़ता है यहाँ पर? ओके, डॉक्यूमेंट्स होता है प्रॉपर, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, हम जरूर आएंगे। कोई कार्ड है नाम? ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड डे। हम आ पहुँचे हैं यहाँ पे जहाँ पे टिक्की चाट बन रही थी। काफ़ी बारिश हो रही है और कुछ खाने का बहुत मन कर रहा है। सो यहाँ पे ये भाई साहब बिल्कुल देवदूत की तरह मिल गए हम लोगों को। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, चंद्रकांत। चंद्रकांत, और चंद्रकांत भैया हम लोगों को अभी टिक्की चाट खिलाएंगे। काफ़ी दूर चल के आ गए हैं और ये है मनाली मॉल रोड बिल्कुल मेरे पीछे। हम बिल्कुल करीब आ गए वाइब्स रेस्टोरेंट की, जहाँ पे हम लोग हिमाचली कुजीन खाने वाले हैं। सो राइट नाउ अभी फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ वन विहार के बिल्कुल अपोजिट में। तो मैंने यही सोचा था, जैसे मैंने पहले कहा था कि इन आवर हाउस और इन आवर रेगुलर लाइफ हम बहुत सारे पंजाबी खाना और फिर जैसे राजस्थानी और अलग अलग कुजिन्स हम ट्राई करते रहते हैं, चाइनीज़ भी। लेकिन यहाँ आने के बाद आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं यहाँ का लोकल कुजीन खाऊँ। और ज़्यादा दूर भी नहीं, इट्स नॉट टू फार ऑल्सो, दो द लोकेशन इज़ सियाल, लोकेशन सियाल दिखाता है, लेकिन ये मनाली मॉल रोड से इट्स जस्ट लाइक 5-10 मिनट्स वॉकिंग।
काफ़ी इंजॉयमेंट भी हो रहा है। वन विहार में हम पहले भी जा चुके हैं, इट्स अ नाइस गार्डन जहाँ पे आपको काफ़ी सारे पाइन फॉरेस्ट एक्सेट्रा देखने को मिलेगा। यू कैन सी ब्यास रिवर फ्रॉम वेरी क्लोज, यू कैन टच द रिवर, लेकिन हम उसको बाद में जाएंगे वहाँ पे। फिलहाल हम अभी वाइज रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं जो बिल्कुल हमारे इसी तरफ है। Can you brief us about the restaurant, like why it is so famous? Like we, मतलब हम काफी सुने हैं। अब नाम ही है Vibes हिमाचली कुजीन, मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं हिमाचली खाने को कि क्या है, लोगों को अवेयर करवाने के लिए कि हमारे पास क्या है। जैसे हमारा मेन है धाम होता है, हमारा मेन क्या होता है धाम? धाम है एक्चुअली जैसे कोई ओकेजनली मैरिज है, कोई ओकेजनली ही धाम बनता है। अच्छा अच्छा, मैरिज है कोई फंक्शन है तो ही धाम बनता है। हम भी यहाँ पे बनाते हैं, जितना है उसको बनाने वाले भी जो ग्रामीण लोग ही होते हैं और कोई नहीं बनाता। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 2 से 3 घंटे लगती है। और ये जो धाम रहती है, नो अनियन नो गार्लिक। आप बेसिकली वाइब्स में ये क्विजीन, मतलब ये इस तरह का जो आप डिश आप ये हम करते हैं वाइब्स में, ये बेसिकली दिस इज नोन फॉर दिस, ये है रीजन वाइज। मंडी रीजन की आपको अलग मिलेगी, मंडी रीजन का मंडियाली धाम है, कुल्लू रीजन की कुल्लू धाम है, वो अलग रहता है। मतलब सब कुछ, बिलासपुर जाएंगे तो वो अलग है, चंबा जाएंगे तो अलग है, पर नाम एक ही है धाम। पर जो है उनका अलग अलग टेस्ट रहेगा। तो आज कौन सा डे के हिसाब से कौन से जगह का धाम है? मंडियाली मतलब कि मंडी रीजन से। मंडी रीजन से, चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो 2 थाली तो जरूर लेंगे। ये स्वीट रहेगा, ये रहेगा कैरेट स्वीट। ओके, कैरेट से बनाया हुआ है जी। और ये रहेगा सेपू बड़ी, सेपू बड़ी है ब्लैक दाल से। हाँ हाँ हाँ, इससे बनता है ब्लैक दाल से, सेपू बड़ी इसको बोलते हैं। और ये जो रहेगा ये टैंगी ग्रेवी में रहेगा, टैंगी ग्रेवी में। हाँ, पोटैटो रहेगा, पोटैटो की सब्जी है, खट्टा मीठा ही रहेगा। और बीन्स रहेंगे, येलो दाल, और ये कढ़ी रहेगा, कढ़ी और ये जी नू अनियन नू गार्लिक। ओके, खा सकूंगी एंड इट्स वेरी वेरी बहुत टेस्टी है, बहुत ही लाइट इन द प्रिपरेशन है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, खट्टे का थोड़ा सा इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बट इट्स रियली वेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं आई एम वेरी श्योर कि आई कैन फिनिश इट अप कम्प्लीटली विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पिक। सो हियर मिस्टर राजेश इज हियर, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस प्लेस Vibes, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम दैट इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस, आई मीन हैविंग द हिमाचली फूड and coming to this place specially. And now Mr. Rajesh, he has said that he is into the tourism business since past 19 years, and he has organized too many trekking and campings since past few years. Basically, see, in the plains we know that after July or November the rain starts, it's mostly the monsoon season. So what about these places, does it rain? Because we can plan it accordingly. It rains, but not that much compared to cities or compared to Delhi or other cities, even Manali. Mm-hmm. It doesn't rain like this. Sometimes it snowfalls there. It was really nice. I mean, I just wanted to gather more information so that we can plan for, I mean, such places in our next trips. So if we can just get your Our company name is Gold Drop Adventures, and we are based in Manali. You can search us at
www.goldropadventures.com, and you can plan your tours. We organize bike tours, we organize self drive, we organize taxis, you know, the way you want to. Wonderful. So we have this information so that we can also talk to him in future, and we'll definitely get in touch with you so that we can plan our next some adventures, especially for search and something. Thank you so much. Thank you. Lunch, and it has stopped raining, and now we have started walking towards the clubhouse. और मनाली का मॉल क्रॉस करके हम लोग अभी क्लब हाउस की तरफ जा रहे हैं. ट्रैकिंग करने का बड़ा मन था, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट आफ्टरनून 4:30, एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि हम ज़्यादा वॉक कर पाए. टुमारो वी हैव टू डिपार्ट फ्रॉम मनाली. So it's just today's evening time left. ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा experience हो रहा है, और मुझे जो walking का मन था वो walking भी हम कर पा रहे हैं. It started raining again in another 1 hour. It's already 5:30 approximately. And we are on the Manu Temple Road, crossed clubhouse, and now walking towards Manu Temple Road. My wish of little bit of light trekking it has been fulfilled. This the speciality of this road is you can find the cafes over here, jo bahut sare cafes hai, and especially the hippies, the foreigners, they are coming over here. So right now I am targeting towards having some trout. Mujhe trout khane ka bahut man tha. So I'm targeting towards that, and after that I'll finish my trekking. Shayad until it gets dark I'll go towards Manali Mall. Till then I just want to enjoy this short road trek to Manu Temple Road.